दूध हमारे यहाँ मिलता है 50 रुपए किलो। तुम्हारा बिकता कैसे दूध? हम बेचते हैं 30 रुपए किलो। हाँ, चारा हम देंगे, गाय का चारा हम खिलाएंगे, मेहनत हम करेंगे, है ना, घर हम बनाएंगे, बुद्धि हम कर देंगे, और जो दूध दूध रखेंगे तो ले जाने वाला वो ले जाएगा 30 रुपए किलो, और उसमें पानी मिला के बेच देगा 60 रुपए किलो मार्केट में। उसको सही बात है कि तालाब जो है मशीन से ही बनता है, ये सरकार खुद करवाता है मुखिया को जिंदा रखने के लिए। मजदूर जिंदा नहीं रहे, मुखिया जनप्रतिनिधि जिंदा रहे, अब पर साल 5 साल पर वोट दिलाते रहे। देखिए ये भ्रष्टाचार तो करवाता है गवर्नमेंट ना। गवर्नमेंट अगर सांसद को तनख्वाह देता है, विधायक को तनख्वाह देता है, तो मुखिया के घर तनख्वाह नहीं देता है। आप बोलते हैं 200 रुपए में पेट भरेगा, जिंदगी में पेट नहीं भरता। यहाँ तो सांसद को जो है एक एक अफसर को 5-5 हजार रुपए रोज तनख्वाह है, रोज का तनख्वाह है 1.5 लाख रुपया महीना, उसका पेट नहीं भरता, वो और लड़ाई करता और चाहिए। मजदूर को क्या मिलता है? अलग से भी हम लोग काम करते हैं तब जाके गुजारा चलता है। अभी 40 रुपया किलो आटा हो गया, 200 रुपया किलो तेल है, 40 रुपया किलो ये है आलू है कि नहीं है, 200-150 रुपया किलो दाल है, तो इतना महंगाई बढ़ गया तो क्या होगा। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन इस वक्त हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पर देश भर के मजदूर इकट्ठा हुए हैं और नरेगा में जो चल रहा है उसके खिलाफ, जो सरकार की नीति है नरेगा में उसके खिलाफ देश भर के मजदूर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो उन्हीं से जानेंगे कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या समस्या है नरेगा के बारे में, क्यों लोग इकट्ठा हुए हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत पासवान है, हम बिहार से अररिया जिला से का रहने वाले हैं। हम ऐसे वहाँ का जनप्रतिनिधि मुखिया भी हैं जी। वहाँ पर समस्या ये आ रहा है कि पूरे साल में औसत 33 दिन ही मजदूर को रोजगार दिया गया है एक साल में, अगले साल में, उसका बाद भी उसका भुगतान 3 महीने से 4 महीने केवल 33 दिन। और सरकार की तरफ से जो नरेगा में नियम है वो कितने दिन का है? 100 दिन का काम है, 100 दिन काम ने अभी 150 दिन कर दिया है, औसत 33 दिन ही काम मिल पाया है, उसमें भी मजदूर का 3 महीना से मजदूरी बकाया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं, अभी पार्लियामेंट चल रहा है, ये पहली सरकार जो सुनता नहीं है उसको सुनाने आए हैं कि देखिए महंगाई कितना है, बेरोजगारी कितना है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, आप इसको नज़र में रखें। तो मुखिया लोग भी करते हैं नरेगा में भ्रष्टाचार? देखिए ये भ्रष्टाचार तो करवाता है गवर्नमेंट ना। गवर्नमेंट अगर सांसद को तनख्वाह देता है, विधायक को तनख्वाह देता है, तो मुखिया के घर तनख्वाह नहीं देता है। सुनने में ये आया, मैंने कहीं भी देखा है कि मतलब जो नरेगा का जो पैसा निकलता है मजदूर के लिए काम आता है। हो सकता है आपके यहाँ पे नहीं हो, कि आप बिहार से हो, मैं एमपी से हूँ। एमपी में तो सरेआम मतलब जेसीबी से काम होता है, तालाब वगैरह बने, कुछ भी काम हुआ, ऐसा कुछ होता है नरेगा? सही बात है कि तालाब जो है मशीन से ही बनता है, ये सरकार खुद करवाता है मुखिया को जिंदा रखने के लिए। मजदूर जिंदा नहीं रहे, मुखिया जनप्रतिनिधि जिंदा रहे, अब पर साल 5 साल पर वोट दिलाते रहे। तो आपका कहने का मतलब ये है जो नरेगा सिस्टम केवल मुखिया और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको खिलाने के लिए स्कीम चल रही है? बिल्कुल, उसी को खिलाने के लिए ये स्कीम है। सच्चाई बात में हमको डर नहीं है, काहे कि मजदूर को मांस खाता है कोई और, हड्डी किसी और। तो ये बात आप खुद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कह रहे हो, बहुत बड़ी बात। देखिए एक बात बताते हैं, वर्तमान में हो या पहले? बिल्कुल वर्तमान में है, और अभी मेरा साल है और हम इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए बोलते हैं। सभी मुखिया चोर नहीं होता, अगर चोर होते तो हम लोग ये धरने में प्रोटेस्ट करने नहीं आते। तो इस नरेगा का जो जमीनी स्तर पर जो पैसा मिलना चाहिए, जैसे अभी आप बोले 30 दिन के लिए केवल काम मिला है, 150 दिन का कर दिया, क्या वो मजदूरों को हकीकत में मिलता है या उन मजदूरों से हकीकत में काम लिया जाता है या मशीन से ही कराया जाता है पूरा काम? देखिए इस कागज पर काम जो है मशीन पर ज़्यादा होता है और मजदूर को कम लगाया जाता है। हम मशीन से जो लगाता है तो उसमें मुखिया का जो सेटिंग होता है, जो अधिकारी जई है, पीआरएस है, पीटीए है, जो पीओ है, इसका मिली भगत से, मुखिया को मिली भगत से 50 आदमी के ग्रुप का नाम डाला जाता है।
अगर आप ये 3 दिन काम चला, मशीन अगर 1 दिन चला तो 15-15 दिन का नाम, 14-14 दिन का नाम भर के पैसा निकाला जाता है और वो पैसा को बंदर बांट किया जाता है। तो आपका कहने का मतलब ये है केवल मुखिया ही इनको नहीं खाता है इन पैसों से, जो 2 नंबर का जो कमाई होती है नरेगा के तहत वो पूरी टीम में बटा हुआ होता है? बिल्कुल बटा हुआ, आप जानिए रहे हैं, इसमें बोलने का क्या जरूरत है। सरकार खुद जानता है कि जनप्रतिनिधि को, वार्ड सदस्य को, मुखिया को, सरपंच को तनख्वाह नहीं देते हैं। एक योजना दे दिया नरेगा कि आप लूटो, अपना घर चलाओ, अपना व्यवस्था को चलाओ, जब समय आएगा आप हमको वोट करो। आप भी और आपके साथी हैं यहाँ पर? हमारे पास में 122 आदमी, हम लोग अररिया से आए बिहार से। आपके साथी हैं? ये भी मेरा साथी है। क्या नाम है भाई आपका? हरदेव। क्या करते हो आप? हम मनरेगा में मजदूरी करते हैं। मनरेगा मजदूरी करते हो? कहाँ से आए हो? बिहार से, सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। मजदूरी के अलावा इस मनरेगा के काम से हो जाता है काम? उससे पूरा काम होता है, बाहर और कुछ करना पड़ता है, वो भी काम नहीं मिलता है। सरकार तो गारंटी देती है कि 150 दिन आपको काम मिलेगा। सरकार 150 दिन कहती है लेकिन 50 दिन भी नहीं मिलता। बताओ एक दिन का कितना पैसा मिलता है? एक दिन का 210 रुपया अभी हुआ है। 210 रुपये? पहले कितना था? पहले 198 था। तो 210 रुपये में मतलब गुजारा हो जाता है? नहीं होता है गुजारा, नहीं होता। और भी लोग हैं? क्या नाम है? स्कीम जोड़ दिया है इसमें ना। पहले क्या होता था, मास्टर रोल दिया जाता था, मजदूर जानता था कि मास्टर रोल में किनका नाम है। आप बोलता है कि ऐप पर आने मोबाइल पर डाउनलोड करके हाजिरी बनेगा, तो उसमें मजदूर जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं वो क्या जानता है? वो तो जानेगा वही सरकारी के जो सिस्टम में घुमा हुआ है उसी को ना मालूम है, मजदूर को क्या मालूम होगा। आप बोलते हैं 200 रुपये में पेट भरेगा, जिंदगी में पेट नहीं भरता। यहाँ तो सांसद को जो है एक एक अफसर को 5-5 हज़ार रुपये रोज तनख्वाह है, रोज का तनख्वाह है 1.5 लाख रुपये महीना, उसका पेट नहीं भरता, वो और लड़ाई करता और चाहिए, मजदूर को क्या मिलता है? अलग से भी हम लोग काम करते हैं तब जाके गुजारा चलता है। अभी 40 रुपये किलो आटा हो गया, 200 रुपये किलो तेल है, 40 रुपये किलो ये आलू है कि नहीं है, 200-150 रुपये किलो दाल है, तो इतना महंगाई बढ़ गया तो क्या होगा। तो महंगाई से तो जो किसान की चीजें हैं उससे तो किसान को ही फायदा होगा ना, दूध कितना रुपए लीटर? किसान को तो कोई फायदे नहीं है, यह बाढ़ आता है दह जाता है सूखा। एक बात बताइए, जो महंगाई बढ़ती है दाल पे, आटे पे, दूध पे, घी पे, तो इसका फायदा किसान को मिलता है या सीधा मतलब वो व्यापारी बिचौलिया ले जाता है? बिचौलिया ले जाता है। हम जो अनाज गेहूँ उपजा किए, मकई उपजा किए, हमारा रेट मेरे मन से नहीं लगता है वो रेट। अभी मक्का कितने रुपए किलो मतलब बेचा? अभी हम बेचे 1800 रुपया क्विंटल। 1800 रुपये क्विंटल हम बेचे हैं। हमारे पास अगर मार्केट से खरीदना चाहे तो कितने का मिलेगा? अभी अगर 2 किलो मक्का खरीदेंगे ना भैया तो हमको लगेगा 800 रुपया 400 रुपया किलो। मेरा ही मकई को ले जाता है, उसको बढ़िया कर देता है। और दूध, दूध की रेट क्या है आपके यहाँ? दूध हमारे यहाँ मिलता है 50 रुपया किलो। तुम्हारा बिकता कैसे रेट से? हम बेचते हैं 30 रुपया किलो। हाँ, चारा हम देंगे, गाय का चारा हम खिलाएंगे, मेहनत हम करेंगे, है ना, घर हम बनाएंगे, भुस्सी हम कर देंगे, और जो दूध दूध रखेंगे तो ले जाने वाला वो ले जाएगा 30 रुपये किलो और उसमें पानी मिला के बेच देगा 60 रुपये किलो मार्केट में उसको। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब देश में जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है मिलजुल कर, ये मुखिया थे बिहार के अररिया जिले में, खुद मुखिया के पद पर हैं और वर्तमान में, ऐसा नहीं कि पीछे, तो इसमें मतलब सभी कर्मचारी अधिकारी किस तरीके से मिलकर के भ्रष्टाचार करते हैं स्वयं उन्होंने रखा। क्या नाम है दादा आपका? मोहम्मद अयूब। अच्छा, कहाँ से आए आप? अररिया जिला। अररिया से आए आप, क्या करते हैं आप? मनरेगा में काम करते हैं। कितने दिन काम मिलता है साल में? वही लड़ाई झगड़ा करके 20-22 दिन 25 दिन। पूरे साल में या महीने में? नहीं, महीने में। महीने 20-22 दिन मिल जाता है? हाँ, वो भी लड़ाई झगड़ा करके तब मिलता है। और उस पर नहीं 100 दिन पूरा मिलता है? नहीं नहीं मिलता। नहीं मतलब अच्छा, उसमें तो, मुखिया वार्ड सदस्य ने काम को लेकर समस्या, यहाँ पर क्यों आए आप दिल्ली में? दिल्ली में यह जैसे आए हैं कि हम लोग का बाकी बकाया पैसा बाकी है अभी। अच्छा, बकाया कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के पास पैसे खत्म हो गए हैं इसलिए बकाया नहीं दे रहे? नहीं, एफटीओ किया है अगला महीना 16 तारीख को, अभी तक पैसा भुगतान नहीं हुआ है। और पीओ साहब को अभी अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे भुगतान? पीओ साहब को कहे हैं हम लोग मनरेगा में जाके, तो पीओ साहब बोलेगा कि हमको तो ये काम था हम एफटीओ करके भेज दिए, छोड़ेगा तो सरकार छोड़ेगा ना पैसा पटना से, हमको कौन चढ़ा है हमारा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मजदूरों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और लगातार देश भर में विधायक सांसद खरीदने के लिए तमाम सरकारों के पास पैसे आ जाते हैं। मजदूरी
पूरे साल में मात्र 100 दिन इनको मजदूरी मिलती है, वो भी कभी मिल जाए कभी नहीं मिले, और उसका भी समय से भुगतान नहीं हो पाता है। इसलिए तमाम देश भर के मजदूर, खास करके बिहार के नरेगा मजदूर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।